मेरे को तेरे बारे में ना, तेरी हेल्थ के बारे में हमेशा चिंता रहती है, तो मैं तेरे को ऐसी जगह लेके आया हूँ, विश्व मानवा डबल रोड कैर गली मैसूर में। क्यों? और यहाँ पर है प्रज्ञा कुटीर तपोवन। वाह। तो यहाँ पर तेरे को पता चलेगा कि इम्यूनिटी वगैरह कैसे बिल्ड की जाती है, हेल्दी कैसे बना जाता है। ये तो मेरी घबराहट मत किया कर, मेरी हेल्थ एंड इम्यूनिटी बिल्कुल सॉर्टेड है। कैसे? बस सुबह सुबह हम लोग किसी को मिलने जा रहे हैं तो अपनी चवनप्राश की बोतल साथ में लेके चल रहा है। यार योगा, आयुर्वेदा, चवनप्राश बिल्कुल कनेक्शन है। बैंक में जाता है, पैसे लेके जाता है और लेके आता है ना। हाँ। तो अब यहाँ पे आए तो मैं हेल्थी जो चीजें हैं आयुर्वेदा की आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है वो ला रहा हूँ। चल तो ऐसा है, तेरी मेरी आर्ग्यूमेंट तो खत्म होगी नहीं। नहीं तो अभी पता करते हैं स्पेशलिस्ट से कि डाबर चवनप्राश का क्या फायदा। पहला क्वेश्चन आप प्लीज सॉल्व कीजिए, आप यू आर द राइट पर्सन टू सॉल्व इट। हम लोगों का आर्गुमेंट चल रहा है कि डाबर च्यवनप्राश लेके अंदर आ गया सुबह सुबह, एंड ही सेइंग कि इससे सब कुछ ठीक हो जाता है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन बिकॉज़ ही इज ईटिंग च्यवनप्राश। ऑफ कोर्स ही इज राइट, इट्स द बेस्ट इम्यूनिटी बिल्डर, इट्स द बेस्ट इम्यूनिटी बिल्डर, रेस्टोरेटिव एंड रसायना। इट वाज डिजाइंड बाय च्यवन महर्षि फॉर यू नो टेकिंग केयर ऑफ हिज वाइफ सुकन्या द प्रिंसेस। वंडरफुल। सो यू रेकमेंड दैट ये खाना चाहिए एवरी सिंगल डे। चलो बढ़िया, वेल डन यार। मैं तो बोला था तेरे को, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था। Once again, ready? So, Dr. Saab, what is Pragna Kutir and what happens over here? Pragna Kutir is a unique Ayurveda Panchakarma Rejuvenation Center where people come seeking rejuvenation, rest and relaxation, and also people who have certain disorders, specifically age-related degenerative disorders for... Age-related? Uncle is here. Uncle, aap yahin pe raho. We will also make people feel young. I'll make them look young with our rejuvenative therapies and the kaya kalpa that is done here. आप by chance यहाँ पे आपने एक दो साल बिताए? The place for panchakarma and rejuvenation, authentic place for Ayurveda. तो आप how did you start doing this? आप कैसे इस subject में आप involved हुए? Well, I was interested in Ayurveda शुरू से ही, बचपन से ही, you know, मुझे inclination था Ayurveda study करने के लिए. तो ग्रेजुएशन होने के बाद डॉक्टर कृष्णमूर्ति भी मिली, सो वी बोथ स्टार्टेड दिस ब्यूटीफुल सेंटर। वी स्टार्टेड इन अ स्मॉल प्लेस एल्सवेयर बट देन मूव्ड इन हियर अ कपल ऑफ इयर्स अगो। सुपर। तो आइए लेट्स गो दिस वे। तो आयुर्वेदा का जो बेसिक्स है आयुर्वेदा के, वो थोड़े से हमारे हमारे व्यूअर्स से शेयर कीजिए, जस्ट द बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, आयुर मींस लाइफ एंड वेदा मींस नॉलेज, एज सिंपल एज दैट। सो आयुर्वेदा मींस द साइंस ऑफ लाइफ, इट इज अ साइंस दैट टीचेस यू हाउ टू एनरिच एंड लिव इन एंड एनहांस योर लाइफ विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ डिजीज एंड एजिंग। दिस वाज लाइक given to us over 5000 years ago by the sages and it is believed to be the mother of all medicines. So agar ayurveda ke jo basics hain, right, jo combination mein kaam karte hain, to agar aap batayenge thode bahut to kya kya hoga? Ek to ayurveda itself hai, system of medication, right, it's a science of better life. Science, right, of life. Second yoga ho gaya, third better diet, better breathing through pranayama, right, anything else? Meditation of course, right, wherein you cut down your thought process and start looking inward, because yoga basically is not a workout, it's work in. Okay, wow, acha tagline bhi hai, yoga is not a workout, it's a work in. Yaad rakhiye, so when you know how to work on yourselves from within, turn all your senses towards your own self, then you'll become more aware of your own body, your senses. Beautiful. And you know how to take care of it. But pranayam to main bahut bar life mein jo koshish kar chuka hu, thodi der ke liye main karta hu, fir main chhod deta hu. Jab bhi main karta hu mere ko bahut shanti milti hai, but it would be very interesting to learn ki matlab uska correct tarika kya hai, wo hai. Aap zarur seekh sakte hain Dr. Krishnamurti ke sath, he is a pioneer in Ayurveda and yoga. So I think Dr. Saab अभी अंदर गए योगशाला में, तो उनसे चल के प्राणायाम सीखे। यस जरूर, दैट विल बी नाइस, वेरी एनलाइटनिंग टू। ऑफ कोर्स, लवली। आइए, दिस प्राणायामास आर मोर देन 120 वैरायटीज। ओह, आई ऑलवेज थॉट देयर वाज ओनली वन काइंड ऑफ, यू नो देयर आर 120 वैरायटीज ऑफ प्राणायाम। प्राणस्य आयामः इति प्राणायामः। We are doing almost wrong breathing. To correct that one and to do the right breathing,
that is pranayama. So consequently, more oxygen, better breathing, better digestion, exactly. Nervous system, yes, better everything. Yes, yes, all visceral organs. You need it very badly. Itna simple aapne explanation kiya, and I believe that's why they call it the science of Ayurveda and this, because it is completely also scientific and logical job. 100% scientific. Lovely. So Sushruta Acharya, 4,000 years ago, he told skin is 7 layers. Mm-hmm. But modern medical science took a lot of time to reach 5 layers of skin. Right. So it is scientific. You as scientific, that's why I am telling. There is one very, very important pranayama. It purifies all the 72,000 impulses in our body. They are called nadis. Mm-hmm. That is Nadi Shuddhi pranayama. Mm-hmm. That I will do demo. Nadi Shuddhi. Yeah. First, this is called Nasika Mudra. Nasika Mudra. We have to fold index and middle finger, and we have to join the little and ring finger, and thumb should come to the right nostril, right, and these two to the left. First we have to close the right nostril and we have to breathe out through the left. Then again we have to breathe in slowly from the left. Then we have to close the left and slowly breathe out through the right. And again we have to breathe in through the right. Then we have to close the right, slowly breathe out through the left. This completes one round of Nadi Shuddhi Pranayama. This Nadi Shuddhi Pranayama should be practiced minimum 30 rounds. Once a day. No, not once a day, 30 rounds in the morning, 30 rounds in the evening, that will be the best. Beautiful. Thank you so much. Thank you very, thank very you much. Thank you, Dr. Krishnamurti. Very nice to meet you. Very nice. It's our pleasure you are in our place. Dr. Purnima, bahut sari interesting cheeze seekhi humne Dr. Krishnamurti se pranayam pe. पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेदा जो है ये कहाँ से आया, ये साइंस, ये लर्निंग? आयुर्वेदा इज अ ब्रांच ऑफ ऋग एंड अथर्वण वेद जी, एंड वी हियर इन प्रज्ञा कुटीर हैव कंबाइंड इट विथ द सामवेद एस्पेक्ट्स आल्सो, एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड एन एकेडमी कॉल्ड रागा व्हिच स्टैंड्स फॉर आर ए फॉर रागा और म्यूजिक, A for Ayurveda and Ga for Yoga. This was a humble concept to bring all the three Vedic sciences onto one platform and focus. How beautiful. So culture, life sciences. Yes. And we call it music for wellness. Music for wellness. Wellness, yes. Oh, nice. Dr. Saab, thank you so much, Dr. Purnima. Aapne hame itna kuch bataya. And just so much to learn and so much to understand. I think yoga ek lifestyle hai. And not just a hobby ki thoda sa ek do ghante din mein kiya aur exercise kari aur ho gaya. You said it. Right. Dekha, already seekh liya maine ye sab kuch. Mere ko abhi bahut kuch seekhna hai. To aap jaiye apna show kariye. Main ab yahan pe rahunga ek choti si kutiya mein. Main pranayam karunga, main apni body ka khyal rakhunga, mind ka khyal rakhunga aur ek din ho sake to main wapas aaunga. So Dr. Purnima, healthy living in tune with nature. Rocky ji, main ja raha hu abhi dosa aur chyawanprash khane ke liye. Ha, okay. Dr. Purnima, thank you. Main bas sab kha ke aata hu doc. Thank you. Bye bye. Bye bye. Mere bhi khana khaega yaar, kya baat hai.